तो फ्रेंड्स, आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो हमारी मिक्स दाल है, येलो और ब्लैक, माश और चने की, जिसके लिए चार हमने मीडियम साइज प्याज ले लिए हैं। तो दाल जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये देखें, दाल को हमने विसल लगा ली है एक, तो बाकी जो है उसको राड पे गलाएंगे। सबसे पहले प्याज चॉप करके, प्याज डीप फ्राई कर लेंगे हम, मसाला बना लेंगे। तो जो जो हमारे जैसे जैसे प्रोसेस हम फॉलो करेंगे आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये देखें प्याज हमने फाइन चॉप कर लिया है। तो ऐड करते हैं हम इसको मस्टर्ड ऑयल में। हाफ सर्विंग स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो जो मसाले हमारे इसमें रहने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 10 से 15 मिनट में हमारी ये दाल बनके तैयार हो जाती है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो। ये प्याज जो हम मस्टर्ड ऑयल में ऐड करते हैं और इसको डीप फ्राई करेंगे हम। नमक और हल्दी ऐड कर दिए, हल्दी हाफ टेबल स्पून और नमक एज पर टेस्ट ऐड किया है। तो इसको अच्छे से डीप फ्राई होने देंगे प्याज को, उसके बाद मसाले इसके साथ ऐड करेंगे। तो जो मसाले हैं वो आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे जो मसाले हैं इसमें रहने वाले हैं मिक्स दाल में, उसमें हाफ टेबल स्पून हमारा गरम मसाला है, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड हाफ टेबल स्पून हमने इसमें चाट मसाला ले लिया है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा टेंगी रखते हैं अपने प्रेपरेशन को। तो प्याज हमारा तो ऑलमोस्ट तैयार हो गए। तो 2 से 3 मिनट हम इसको और मीडियम फ्लेम में पकने देंगे प्याज को। हाफ कप अप्रॉक्सीमेटली 100 ml हमने पानी ऐड किया है इसके अंदर। तो जैसे ही प्याज हमारे तैयार हो जाएंगे हमने मसाला इसमें ऐड करना है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा इसको तैयार होने का, उसके बाद ऐड करते हैं मसाला इसमें। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये देखें ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो गई। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी का टेक्सचर आया है। ये देखें, तो ग्रेवी हम ऐड कर देंगे दाल के अंदर, जिसको हमने एक विसल कराई है, और एक विसल उसको और कराएंगे और दाल हमारी तैयार हो जाएगी। तो पानी की यानी कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कि आपने इनको चपाती के साथ खाना है कि राइस के साथ। तो करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो। 2000 years later। तो ये है फ्रेंड्स हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बन के तैयार है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं दाल की कितनी अच्छी है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बड़े सिंपल सा मेथड है बनाने का, तो आप भी ट्राई करें इसको बनाने की। तो तब तक के लिए कल आपके साथ एक नई वीडियो लेके दोबारा से शेयर करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। तो उनके साथ साथ उन लोगों को भी थैंक्स जो मेरे सब्सक्राइबर नए ऐड हो रहे हैं। तो